छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लिटिल ग्रीन बी ईटर ब्यूटी विद ब्रेन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक निर्दयी शिकारी मधुमक्खी को कैसे पकड़ना है ताकि वह आपको डंक ना मारे, ये आप ग्रीन बी ईटर से पूछिए। जी हाँ, आज हम आपको एक बहुत ही तेज तर्रार हरे रंग वाले पक्षी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर के आसपास बिजली के खंभों पर, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर बैठे देख सकते हैं और आसानी से पहचान भी सकते हैं। ये है मीरोप ओरिएंटालिस, यानी ग्रीन बी ईटर। इस पक्षी का नाम इसके रंग और इसके पसंदीदा भोजन मधुमक्खी के सही समामेलन से बना है। ग्रीन बी ईटर इस कुल की अधिकांश जातियां अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं, कुछ दक्षिणी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नया गिनी में भी रहती हैं। करीब 27 से ज़्यादा प्रजातियां अलग अलग देशों में फैली हुई हैं, जैसे ग्रीन बी ईटर, वाइट थ्रोटेड बी ईटर, ब्लैक बी ईटर, ब्लू हेड बी ईटर और रोजी बी ईटर। यह तेज तर्रार भूरे पंखों के साथ हरे रंग वाला पक्षी बहुत ही फुर्तीला है। एक टक जासूसी की नज़र से अपने शिकार पर ये नकबंदी बांधे रहता है। ग्रीन बी ईटर आमतौर पर 16 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है और सेब की तरह चमकदार हरा यह पक्षी पतली और छोटी काया का मालिक है। आंखें बिल्कुल लाल लाल होती हैं। इसकी चोंच काली, लंबी और थोड़ी घुमावदार होती है, जिससे यह आसानी से कीड़ों को खा सकता है। हरे रंग के साथ साथ ठोड़ी और गले पर भी नीला, सिर पर पीला और लाल नारंगी रंग मुकुट के जैसे शोभा पाता है। एक काली धारी बिल के आधार से नाक के आसपास कोने को ढकने पर ऐसी लगती है मानो आंखों का एक मास्क हो, इसकी विशेषता है। शरीर के ऊपर हिस्से पर एक काले रंग की कॉलर भी है। हरे रंग के ऊपरी हिस्से होते हैं, लेकिन नीचे के हिस्सों में विभिन्न और व्यापक रूप से अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। हर प्रजाति की अपनी कुछ खास बातें होती हैं, पर यहाँ आज हम ग्रीन ब्री ईटर मेरियोप ओरिएंटालिस की बात करेंगे। इसके 16 से 18 सेंटीमीटर की लंबाई में दो लंबी केंद्रीय पूंछ पंख भी शामिल हैं, जो कि इसे बहुत अलग पक्षी बनाती हैं। हालांकि ग्रीन बी ईटर वयस्क और जुवेनाइल में अंतर साफ देखा जा सकता है। जुवेनाइल का रंग हल्का हरा होता है, इसके गले के पास काली पट्टी बहुत ही हल्के रंग की है, जबकि वयस्क में वो बहुत गहरी है और अलग से देखी जा सकती है। आंखों के पास का मास्क भी अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, वो भी काफ़ी हल्का है वयस्क की तुलना में। छाती के ऊपर का रंग हल्का हल्का हरा है और नीचे का हिस्सा, पेट के आसपास का हिस्सा सफ़ेद है। तो आप वयस्क और जुवेनाइल में अंतर आसानी से पहचान सकते हैं। ग्रीन बी ईटर को मधुमक्खियों को खाना तो बहुत पसंद है, मगर ततैया, तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाइज, बीटल भी ये मज़े से खाता है। यह अपने आप को हमेशा ऊंचे पेड़, झाड़ी, अनाज या घास या बिजली के खंभे या तारों के ऊपर बड़ी सहूलियत से बिठाकर कीटों की या अपने शिकार की जासूसी करता है। आमतौर पर यह उड़ान में कीट को कुचलता है, फिर से डंक से बचने के लिए इसे कई बार किसी ठोस चीज़ पर पटकता है और फिर जब तक पटकता है कि इसका एक्सोस्केलेटन टूट ना जाए और इसका डंक इसके शरीर से अलग ना हो जाए और फिर ये उसे निगल जाता है। इसकी लंबी नुकीली पंख हवा को काट कर बहुत तेज़ गति से कीड़े को पकड़ लेती हैं और वापस अपनी जगह पर, उसी पर्च पर आकर ये उस खाने का मज़ा उठाता है। जहाँ बहुत अधिक मवेशी होते हैं वहाँ कीड़े भी बहुत होते हैं और यह पक्षी उस जगह पर खूब मज़े से कीड़ों का आनंद उठाता है।
यह हर तरीके की आवास में अपने आप को ढाल लेता है, चाहे शुष्क प्रदेश हो, चाहे घनी आबादी वाला शहरी प्रदेश हो या आर्द्र भूमि हो, यह अपने आप को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लेता है। कभी कभी अकेले देखा जाता है या तो कभी कभी छोटे छोटे दलों में ये एक साथ बैठकर स्वतंत्र रूप से शिकार करते हैं। वे अपने पंखों को स्वस्थ शुष्क और पैरासाइट से बचाने के लिए सैंड में सैंड बाथ भी लेते हैं, यानी धूल स्नान भी करते हैं। इनकी कॉल, इनके शब्द, इनका उच्चारण, इनके बोल बहुत ही सुखद होते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय ये शिकार के लिए जब उड़ान भरते हैं तो इन्हें आसानी से सुना जा सकता है। ये अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं बनाते, बल्कि ये मिट्टी में छेद करके ये नदियों के किनारे अपना घोंसला बनाते हैं। और ये जानवरों को समझने की भी शक्ति रखते हैं, दूसरे शिकारी को या अपने शिकार को ये बड़ी आसानी से समझते। तो ग्रीन बी ईटर भले ही छोटा सा पक्षी है, मगर ये एक बहुत ही वाइब्रेंट, शार्प और सुंदर पक्षी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आपको जब भी ग्रीन बी ईटर दिखाई दे तो उसकी फ़ोटो लीजिए, उसकी वीडियो बनाइए और आप अपनी कलेक्शन में उसे ऐड कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।